आगे लेखिका कहती हैं, भक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती जैसे यमलोक से। कारागार माने जेल से, वो यमलोक के बराबर डरती। लोग जैसे मरने से डरते हैं, वैसे वो कारागार यानी जेल जाने से डरती है या जेल के नाम से डरती है। ऊंची दीवार देखते ही वो आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। इतनी डरती है कि बड़ी बड़ी दीवारें जेल की देखती है तो डर जाती है, यहाँ तक कि बेहोश होने की स्थिति में आ जाती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसको चिढ़ाते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता था, लोग आकर के कहते थे कि देखो अब जो है लेखिका महादेवी वर्मा को जेल होने वाली है, तो उसे परेशान करते थे। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, डरती तो है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। डरने से भी ज़्यादा वो इस बात से डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेखिका को जेल हो जाए और वह लेखिका के बिना यहीं रहे। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले। लेखिका से कहती चुपचाप, आप बताइए आपको जेल होने वाली है, अब जब जाएंगे तो मैं कितनी धोतियाँ साबुन लगा करके साफ कर लूँ आपके लिए, जिससे मुझे वहाँ उनके लिए लज्जित न होना पड़े कि मुझे धोतियों की कमी वहाँ न रहे। क्या क्या सामान बांध ले जेल जाने के लिए, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके, ऐसा भी पूछती है। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है, यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। अगर उसे कोई कहता कि देखो वो जेल जा रही हैं, जेल में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाता है, तो ऐसा आश्वासन भक्तिन को समझाने के लिए अपर्याप्त होता। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है, वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। उसको लगता कि मैं नहीं जाऊंगी से वो प्रसन्न, मैं जेल नहीं जा रही हूं, ऐसा मैं उससे कहती तो वो प्रसन्न तो होती, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो जो है अपमानित तब होती जब लोग कहते ये जाएंगी लेकिन आप नहीं जाएंगी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है, जहां मालिकिन वहां नौकर। मालिक को लेकर ले जाकर बंद करने में इतना अन्याय नहीं है, नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय। वो कहती कि मालिक को ले जाना तो अन्याय है, पर वो उतना बड़ा अन्याय नहीं है जितना कि नौकर को उसके बिना छोड़ दिया जाए। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट, फिर आ गया लाट शब्द, कहती बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, वो कलेक्टर तक जाएगी लड़ने के लिए। किसी की माई किसी की हिम्मत, यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो, वो कहती है मैं जाकर के बड़े लाट साहब तक जाऊंगी और उनसे लड़ूंगी, नहीं लड़ी तो नहीं तो देखना आप, मैं जरूर लड़ूंगी, तो नहीं लड़ी। पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता, वो लड़ने के लिए भी तैयार है, किसके लिए, लेखिका के खातिर। ऐसे ही विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, लेखिका कहती है। ऐसे प्रतिद्वंदी जो अपने स्वामी की खातिर बड़े बड़े खतरे भी लेने के लिए भी मूल होते हैं, मूल लेने के लिए भी तैयार रहते हैं, ऐसे बहुत कम सेवक होते हैं। मैं अब अंत पाठ का अंत हो रहा है और बहुत ही भावपूर्ण है। लेखिका कहती है, मैं प्रायः सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा बुलावा पहुँचेगा, एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश होगा, धोती धोने का, धोती को साफ करने का समय नहीं मिलेगा, न सामान बांधने का समय मिलेगा, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। एक समय ऐसा भी आएगा कि इस संसार से विदा लेनी पड़ेगी, उस समय धोती साफ करने का समय नहीं होगा, सामान बांधने का कोई समय नहीं होगा, भक्तिन रोकने ना चाहेगी तो भी जाने वाला व्यक्ति नहीं रोकेगा, और न मुझे रोकने का कि स्वयं भी व्यक्ति अपने आप को नहीं रोक पाएगा। तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में जब अंतिम समय आ जाएगा, तो ऐसे समय में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी। कभी कभी चिंतित हो जाती है लेखिका कि मेरे बिना ये कैसे रहेगी और मैं क्या करूँगी, अगर मेरे से पहले ये चली गई तो मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, ऐसा लेखिका मानती है। इस पंक्ति के माध्यम से पता लगता है कि लेखिका भक्तिन को कितना चाहती है, भक्तिन और लेखिका का कितना अटूट संबंध है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका ने इससे आगे की कहानी नहीं लिखी है, चौनी लिखी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। वो कह रही है, मैं उसकी मृत्यु तक का इसमें वर्णन कर सकती थी, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ और उसे खोकर मैं इस कहानी को पूरी नहीं करना चाहती हूँ। यहीं पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे और उन्हें भी आप जरूर
करिएगा।